हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रसमलाई, वो भी बहुत कम समय में बनने वाली और बिना गैस का इस्तेमाल करें। आज हम बनाएंगे रसमलाई, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आपका स्वागत है लक्ष्मी की रसोई में। तो यहाँ पर एक बर्तन में आपको गर्म दूध लेना है, गर्म नहीं, आपको गुनगुना दूध लेना है, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो। इसका फ्लेम जो है एकदम मीडियम हो तो तभी आपको इसे ले लेना है। और इसमें आपको ऐड कर देना है केसर वाला दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध में केसर को पहले से डाल के रखा था, इसलिए उसका जो कलर है काफ़ी अच्छा आया है। फिर यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो ये आपको दुकान में भी अवेलेबल होती है और आप चाहें तो घर पर भी चीनी को आसानी से ग्राइंड कर लें। फिर 1/2 टीस्पून आपको इसमें इलायची पाउडर डालनी है और 1 कटोरी में आपको दूध लेना है, वही गर्म दूध, और इसमें आपको कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। पाउडर को डालने के बाद उसे अच्छे से चम्मच से चला दीजिएगा ताकि जो उसके लम्स हैं वो ना रह जाएँ, वरना आप देखेंगे कि ये जितना आप एक बार इसे चला के रख देंगे तो वो सूखा सूखा हो जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से इसे घोल देना है। उसके बाद दूध में डाल देना है। फिर इसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, काजू बादाम पिस्ता, जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। फिर आपको ब्रेड की स्लाइस लेनी है, ताजी ताज़ी ब्रेड लेनी है, ताकि वो जो आज का डेट हो आप देख लीजिएगा। और याद रहे कि जो आप नॉर्मली ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं वही ब्रेड हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी वाली ब्रेड लें, तो आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपको काट देना है, इसका जो ब्राउन पार्ट होता है उसे आपको काट देना है अच्छे तरीके से, चारों तरफ के आपको काट देना है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कट चुकी है और इसका जो मैंने ब्राउन पार्ट निकाला वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दिया है, तो आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी जो ब्रेड की स्लाइस है मैंने उसके जो ब्राउन पार्ट है वो कट कर दिया है। सिंपली जो हम घर पर दूध लेते हैं और उसे पकाने के बाद जो ठंडा होने के बाद जो उसमें मलाई जम जाती है, हमें वो मलाई ले लेनी है। तो आप चाहें तो तुरंत दूध की भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पहले का रखा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और फिर इसमें आपको ऐड कर देना है 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालनी है, फिर 1/2 चम्मच आपको डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। दिख रहा होगा कि मैंने जो मलाई ली वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, और दूध पड़ने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको इसे साइड में रख देनी है। फिर हमें 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी जिसे हमने कट किया था, और उसके ऊपर आपको इसे जो हमने दूध का जो बनाया है पाउडर डालकर वो आपको लगा देना है इसमें थोड़ा थोड़ा सा, एक ही ब्रेड पे लगाना है, और एक ब्रेड पे लगाने के बाद उसके ऊपर आपको दूसरी ब्रेड को रख देना है। अच्छे हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इसी के बाद आपको इस तरीके से सारी ब्रेड को कर लेना है, और यहाँ पर इसे मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो आप चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें सर्कल शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप दिया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से कट जाएगा अगर आप इसे काटें। तो इसी तरीके से सारी ब्रेड को आपको कट कर लेना है, फिर आपको एक प्लेट में इसे रख लेना है, और जितनी स्लाइस हैं आपको सब में सबको एक एक करके अच्छी तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस शेप थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए मैंने इसे रख लिया, और उसके बाद जो हमने मिल्क पाउडर और मलाई का मिक्सचर बनाया था वो आपको इस पर लगा देना है। तो जितना भी आपको पूरे में डाल देना है अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। इसे मैंने पूरे में लगा दिया है, उसके बाद जो हमने पाउडर और केसर दूध का जो हमने घोल बनाया था वो आपको डाल देना है। तो आपको पहले इस तरीके से डालना है ताकि जो ब्रेड है जल्दी फटे नहीं और फूटे नहीं, तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है, उसके बाद आप चाहे जैसे भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चम्मच का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, और पूरी ब्रेड को भिगोना है, ये याद रखें कि पूरी ब्रेड को भिगोना है हमें। तो यहाँ पर मैंने पूरा दूध डाल दिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है।
तो अब ये खाने के लिए तैयार है, पर इसमें थोड़ा सा भी डेकोरेट करना बाकी है। तो यहाँ पर अपने मनपसंद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से अलग से डाल दीजिए। हमने दूध में तो डाले ही थे, पर आपका मन हो तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। और उसके बाद आपको इसमें रोज़ लीव रख देनी है, अगर आपके पास गुलाब की पत्तियाँ हैं तो आप इसे रख दीजिए। आप कभी भी अगर इसे बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप पार्टी या फिर कोई मेहमान आएगा उनके लिए दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है सिंपल तरीके से। और फिर आपको इसमें कोकोनट पाउडर रख देना है, जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो आपको रखना है इसमें। आप चाहे तो नॉर्मल जो लोग कोकोनट लेते हैं आप उसको भी ग्राइंड करके लगा सकते हैं, खा सकते हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आए और कोई भी चीज़ तुरंत बनानी हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, और अगर कभी बच्चों की भी ज़िद हो तो आप ये एकदम सिंपल तरीके से बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से रसमलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो चुकी है।